तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो? ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल गेट ऑल द आंसर्स। उससे पहले, मेरा नाम है शोहेब एंड आई रिक्रूट नॉर्मली फॉर बीपीओ सेक्टर्स एंड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स। सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, यू आर इन मुंबई एंड यू वॉन्ट टू लेट्स से अप्लाई फॉर अ बीपीओ जॉब और फॉर एनी कॉर्पोरेट जॉब, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आई डी ऑन दिस। ठीक है, आज का वीडियो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से अ वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए, सो आप कैसे अप्लाई करेंगे हम वो देखेंगे। एंड आपको अप्लाई करना है तो कौन से बीपीओ आपके लिए सुटेबल रहेगा हम वो देखेंगे। उसके बाद में आपको कौन से प्रोसेस में अप्लाई करना चाहिए, वी कैन गो फॉर दैट एज वेल। एंड देन इन द एंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा, बिकॉज वन ऑफ माई क्लाइंट इज राइट नाउ हायरिंग। ओके, एंड व्हाट पोजीशन ही हैव, आपको उसका मैं एक छोटा सा ग्लिम्स बता दूंगा। तो आप कोई भी सिटी में होंगे, सो यू कैन अप्लाई ओवर देयर लाइक दैट। ठीक है, अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से मिले कोई भी वैल्यू और या तो कोई आपके लिए ये काम का लगा हो आपको, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि आपके जैसे औरों को ये वीडियो दिख पाए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस चाहिए होंगे, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा और भी फ्यूचर में वीडियोस आने वाले हैं, सो मेक श्योर हिट दैट नोटिफिकेशन बेल एज वेल। अभी के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो अभी आपको पता ही है कोरोना की सिचुएशन चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, तो इफ यू कैन लेट्स से स्पीक वेल इन इंग्लिश, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा जॉब पाना बीपीओ में। आप खाली बस घर पे रहना है, रिक्वायरमेंट उनका बस यही होता है कि आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए एंड वाईफाई कनेक्शन, और बहुत सारी कंपनी तो आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करके दे देती है। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। और उनके कुछ MBPS, लेट्स से 5 MBPS, 10 MBPS, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो दीज आर द नॉर्मल रिक्वायरमेंट दैट दे हैव। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप बीपीओ इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करें। ओके, बिकॉज इन इंटरनेशनल दे आर पेइंग रियली गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल, एंड प्लस उनका सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, एंड नॉर्मली उनकी शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है। इफ यू आर गोइंग फॉर US प्रोसेस, इफ यू आर गोइंग फॉर UK प्रोसेस, उनका आफ्टरनून से चालू होता है, ऑस्ट्रेलियन रात के 2 बजे से चालू होता है। सो इट्स टोटली डिपेंड, बट आप ये समझ के रखिए कि मतलब अगर इंटरनेशनल प्रोसेस है, सो इट कैन बी लेट्स से नाइट शिफ्ट। ओके, एंड उसमें अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, सो बिलीव मी वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल कस्टमर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज डोमेस्टिक बीपीओ। अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, यू आर अ फ्रेशर, एंड लेट्स से आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपने लेट्स से कम्युनिकेशन खाली सुधारनी है, ये उसके लिए भी बेस्ट है। सो डोमेस्टिक में नॉर्मली होता है क्या है कि वहां पे जो काम अंदर चलता है वो हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स चलता है, बट इंटरव्यू यू हैव टू गिव इन इंग्लिश। दे विल गोइंग टू जस्ट आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, आपको माई सेल्फ अच्छे से बोलना होता है, दैट्स इट। और उसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको इजीली आप उसके लिए प्रिपेयर कर लोगे इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा ये हो गए जी डोमेस्टिक बीपीओ और इंटरनेशनल बीपीओ। डोमेस्टिक बीपीओ में खाली बस आपको 1 वीक ऑफ मिलता है, इंटरनेशनल में आपको 2 वीक ऑफ मिल जाता है। सो दिस इज द थिंग अबाउट लेट्स से बीपीओ, और आपकी जैसी इंग्लिश है आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप अप्लाई करोगे कैसे, ठीक है, तो उसमें भी ना मुझे लगता है कि दो चीजें सही होगी आपके लिए। पहली तो आप ना, जैसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्विकर जॉब्स हो गया, नौकरी है, मॉन्स्टर है, शाइन है, आप ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारे लेट्स से जॉब पोर्टल्स हैं, आपको वहां से कॉल्स आ जाएंगे एंड यू विल गेट द जॉब इजिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कंसल्टेंट के पास भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज हाँ, अब कंसल्टेंट के लिए भी एक और चीज है कि बहुत सारे लोग ना पैसे चार्ज करते हैं जॉब के लिए। सो बी अवेयर ऑफ दोज पीपल, बिकॉज दोज पीपल आर फ्रॉडस्टर। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहे, तो प्लीज जॉब के लिए पैसे मत दिया करो, वो स्कैम हो जाता है सब कुछ। ठीक है, आप खुद जॉब ढूंढ रहे हो, उसके लिए भी आप पैसे दोगे, तो इससे बुरा क्या ही बोल सकते हैं।
ठीक है, तो उसको रखते हैं साइड में। तो आप इन दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप कंसल्टेंट को कैसे ढूंढें? आपके पास जस्ट डायल होगा, सो जस्ट डायल को बस आपको कॉल करना है या तो उनकी वेबसाइट पे जाना है। आपके नियर बाय में जो भी top 10 कंसल्टेंट्स होंगे आपको मिल जाएंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये हो गया जी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से टाइप के बीपीओ होते हैं। अब उसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? प्रोसेस में बेसिकली एक इनबाउंड प्रोसेस होता है, एक आउटबाउंड होता है, एक ईमेल एंड चैट प्रोसेस होता है। तो इसमें से अब तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है वो तुम जज कर लो। ठीक है, सो इनबाउंड में बेसिकली उसका मतलब वो होता है कि वेयर कस्टमर गिव अस अ कॉल, वी हैव टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज। ये नॉर्मली मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, लेट्स से जो ज्यादा प्रेशर का जॉब नहीं करना चाहते, इट विल बी अ वेरी चिल जॉब, खाली बस अपने को सामने से कॉल्स आते हैं, वी हैव टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अलावा जी अपने पास में और भी बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस है आपको सेल्स का, यू कैन गो विद द आउटबाउंड प्रोसेस, बिकॉज दोज पीपल हैव लेट्स से वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर एंड प्लस दे आर पेइंग मोर। ठीक है, तो ये हो गया जी आउटबाउंड प्रोसेस के लिए। आउटबाउंड मीन्स वेर वी हैव टू कॉल आउट द कस्टमर एंड वी हैव टू सेल आउट सम प्रोडक्ट एंड लेट्स से एनी सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया जी आउटबाउंड प्रोसेस। इसके अलावा ईमेल एंड चैट प्रोसेस होता है। ईमेल एंड चैट प्रोसेस में दे आर लुकिंग आउट फॉर योर ग्रामर स्किल्स, ठीक है, एंड देन आफ्टर योर टाइपिंग स्किल्स। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो इफ इफ वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, सो हम उस पर अगर टाइप करते हैं तो हमको रियल टाइम पे उसका रिप्लाई भी आ जाता है। ठीक है, बिकॉज वहां पर आप और मेरे जैसे लोग काम कर रहे होते हैं एंड वो हमारी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए? आपकी टाइपिंग स्पीड चाहिए अच्छी और आपका ग्रामर होना चाहिए सही। ठीक है, बस ये दो रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू तो जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये हो गया जी। इसके बाद अगर ईमेल एंड चैट भी आपको अभी अच्छे समझ में आ गया, आउटबाउंड भी हो गया, इनबाउंड भी हो गया, तो ये हो गए जी सारे के सारे प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया था, आपके पास प्लीज लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो लैपटॉप अलॉट कर भी देती है आफ्टर अ ट्रेनिंग, ठीक है, और बहुत सारी कंपनी है जो नहीं भी करती। बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जो जिसके पास अगर आपका स्मार्टफोन है उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कहने का मतलब क्या है ना, अगर आपको जॉब चाहिए ना, और लेट्स से इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, सो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, घर पर बैठ के आप काम भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो, पैसे भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, जैसे आई हैव अ क्लाइंट कॉल्ड यूरेक आउटसोर्स बीपीओ। सो ये थाने में दैट इज इन मुंबई एंड बेसिकली इनके पास एक रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट में इनका कोई और क्लाइंट है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स बेसिकली एक ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, उसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स का बेसिकली काम होता है, जैसे जीरोधा हो गया और लेट्स से मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ये सारी चीजें। सो वैसे ही उसमें इनके पास रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ग्रेजुएट है एंड हु हैव लेट्स से 12 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई फॉर इट। ओके, सो ये है उनकी रिक्वायरमेंट और सैलरी दे आर पेइंग 15 to 20,000, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ओके, ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको खाली बस एक एग्जाम्पल से समझा होगा कि और भी अलग अलग चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आपको इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है एंड इफ यू आर इन मुंबई यू कैन अप्लाई फॉर इट, रिक्वायरमेंट इज ओनली वन दैट देयर विल बी 2 weeks ऑफ ट्रेनिंग फॉर दिस प्रोसेस एटलीस्ट, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर लाइक लेट्स से पास, देन दे विल गिव यू अ लैपटॉप एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम, इट इज अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब, है ना। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक टिके हो यार, मतलब आपको अच्छी खासी वैल्यू मिली है, सो लाइक दिस वीडियो ताकि और भी आपके जैसे लोग ये वीडियो को देख पाए। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूंगा, जो कि मेरे पास अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं उसकी डालता रहूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को आपको लगता है कि यार ये वीडियो उसके काम आ जाएगा, सो जस्ट शेयर इट, सिंपल एज दैट। ओके, अभी के लिए मेरा नाम है शोहे, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ओवर हियर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल हेल्प यू। ओके,
चलो बाय बाय।